नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ। रसगुल्ले तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन अब समय आ चुका है कि आप केमिकल फ्री लीची के बीज रहित गुद्दे और चीनी की चाशनी में डूबे लीची गुल्ले का भी मजा लें। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी लीची के स्वाद के साथ पल्प को रसगुल्ले का आकार दे रहा है। लीची और रसगुल्ले का यह फ्यूजन नए नाम के साथ स्वाद देगा और इसके शौकीन सांभर लीची का भी मजा ले सकेंगे। वैज्ञानिक डॉक्टर अलमवती पोंगेनर बताते हैं कि इस उत्पाद में लीची के सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, साथ ही इसे बनाने में किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ एक साल तक की होती है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान केंद्र इसे अपनी तकनीक पर विकसित कर रहा है, जिससे इस उत्पाद को बाजार के अनुकूल बनाया जा सके। आइए अब हम आपको सुनाते हैं डायरेक्टर डॉक्टर विशाल नाथ की मुजफ्फरपुर नाउ के टीम से अरविंद अकेला के साथ खास बातचीत। कैसे तैयार किया गया है इसके बारे में सर? ऐसा लीची का जो डिब्बा बंद या बोतल बंद जो प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग कैंड प्रोडक्ट कहते हैं या लीची गुल्ले जो आप कह रहे हैं, रसगुल्ले से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको लीची से चूँकि बने हैं इसलिए लीची गुल्ले भी कह सकते हैं। ये फल को छीलने के बाद में उसका बीज सावधानी पूर्वक निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसको सीरप सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रख देते हैं, जिससे कि इसकी क्षमता साल भर तक बनी रहती है। ये लीची के जैसे ही आपको स्वाद देते हैं और जिस समय में लीची उपलब्ध नहीं होती है उस समय आप इसका उपयोग बतौर लीची, बतौर आइसक्रीम में जैसे ऊपर में गार्निशिंग के लिए करते हैं, या जिस भी तरीके से लीची का उपयोग होता है उसी तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी की लीची से बनाया जाता है और इसका अगर ढंग से इसका निर्माण करके ढंग से इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर इसको कोई उद्यमी या किसान करते हैं तो उन्हें इसमें 3 से 4 गुना फायदा मिलता है। तो जो लीची आपकी 40 रुपये 50 रुपये में मिलती है उससे अगर हम लोग इस तरीके का लीची गुल्ला या जो कैंड प्रोडक्ट बना लेते हैं तो हमें करीब करीब 250 से 300 रुपये किलो तक का रेट हमको आसानी से मिल सकता है। तो ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, लीची किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक प्रयास है जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है और इसका बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। इसको अगर फ्रिज की कंडीशन में रेफ्रिजरेशन में रखते हैं तो आप 1 साल 1.5 साल 2 साल रख सकते हैं। अगर जिसके पास रेफ्रिजरेटेड या कोल्ड रूम की कंडीशंस नहीं है वो इसको 8 से 9 महीने तक संरक्षित यानी अगली फसल आने तक आप इसको रख सकते हैं। अंत में हम आपको बताते चलें कि अभी इस उत्पाद पर रिसर्च चल रहा है जिससे इसकी सेल्फ लाइफ और स्वाद की परख हो सके। मुजफ्फरपुर नाउ की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें हमारे फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुजफ्फरपुर और आसपास के सभी खबरों से अवगत रहने के लिए आप गूगल के प्ले स्टोर से हमारे मुजफ्फरपुर नाउ के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।